उत्तर प्रदेश में शहर दर शहर मातम पसरा है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और लोगों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जिन लोगों को बचाने की कोशिश में मेरठ इलाज के लिए लाया गया था, उन लोगों को भी आखिरकार नहीं बचाया जा सका। भाई ने जहरीली शराब पी थी और जहरीली शराब पीने से उनकी तबीयत बिगड़ गई रात को। अच्छा, कहाँ से लेके पी थी? और तो गांव में बेच रहे, तो गांव में एक सप्लायर रहता था सरदार, उस पर तो लोग बाग लेकर बेचते थे। गांव में ही पी थी जी, वो खरीद कर पी थी। और क्या हुआ? वो जहरीली शराब थी साहब, और उस तो अचानक सब लोग तबीयत खराब हो गई, भाई की भी हो गई, भाई बुरा है। अब मेरा था जी, हमारे भांजे को बोले जी शराब देसी गांव से खरीद के पी गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। सहारनपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी जहरीली शराब ने तांडव मचाया है। यह शराब मौत बनकर आई और देखते ही देखते कई घरों में सन्नाटा फैला दिया। लोगों का आरोप है कि बिहार से सटे इलाके में शराब माफिया का राज है और बिहार में शराबबंदी का फायदा उठाकर जहरीली शराब की तस्करी होती है। कुशीनगर के SDM ने तो सीधे सीधे थाना इंचार्ज पर ही कार्रवाई न करने के आरोप मर दिए। हाँ, मैं जब से यहाँ आया तब से बार बार यही सभी से कहते रहा कि हम लोग संयुक्त रूप से मिल के ये की बुराई है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन इस पे कठोर कार्रवाई न किया जाना ये एक बड़ी दुर्घटना को जो है बुलाओ। यूपी के दो जिलों में जब जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ा तो प्रशासन भी हरकत में आ गया, दर्जनों जिलों में छापेमारी शुरू हो गई। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, देवबंद, मथुरा, बुलंदशहर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट में भी छापेमारी की गई। अफसोस होता है कि इतने बड़े प्रदेश की सरकार की नींद हर बार देर से खुलती है। प्रदेश में 60 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, तब जाकर कहीं प्रदेश सरकार की नींद टूटी और अब छापेमारी की याद आई है। और मुख्यमंत्री साहब का क्या कहें, जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते हैं। मौत हो रही है महाराजी, महाराजी शराब से मौत हो रही है। योगी जी, मुख्यमंत्री जी, योगी जी बताते जाइए। जिस जनता ने वोट देकर सत्ता सौंपी, आज उसी जनता को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा जा रहा है।